हेलो फ्रेंड्स, एक स्टेट यूनिवर्सिटी से टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। यहाँ से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। ये वैकेंसी परमानेंट पोस्ट के लिए है। तो यहाँ पर 7 CPC पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग एकेडमिक पेलेबल रहेगी। प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पेलेबल 14 रहेगी, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पेलेबल 13A रहेगी, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पेलेबल 10 रहेगी। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर कैटेगरीज वाइज वेरी करेगी। अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी UGC AICT नॉर्म के अकॉर्डिंग होगी। कैंडिडेट को 1 मंथ का टाइम दिया गया है अप्लाई करने के लिए। कैंडिडेट ऑफलाइन मोड में अप्लाई करेंगे। तो गाइज, इस रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आप यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे, कौन कौन सी डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट है, एप्लीकेशन फीस क्या है, जॉब लोकेशन क्या है, इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए वीडियो में तक बने रहें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपका मिस ना हो। हेलो गाइज, मैं कविता कुसुम अपने इस YouTube चैनल कविता हेलो क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइज, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको PhD एडमिशन नोटिफिकेशन एंड टीचिंग पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अपडेट ऑल ओवर इंडिया से मिलेंगे। साथ ही एजुकेशन सब्जेक्ट से अगर आप UGC नेट, सेट या PhD एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप यहां से कर सकते हैं। अगर आप अदर सब्जेक्ट से PhD एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो रिसर्च मेथोलॉजी की प्रिपरेशन आप यहां से कर सकते हैं। तो गाइज, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूं तो उसकी इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मिले, आप उसे इमीडिएट देख पाएं। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। तो गाइज, वीडियो को कंटिन्यू करते हुए इस रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। ये वैकेंसी आई है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर से। ये छत्तीसगढ़ की एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी का एड्रेस दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है। ये इसकी एम्प्लॉयमेंट नोटिस है जो कि 14 जून 2024 को आई है। यहाँ से टीचिंग पोस्ट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। कैंडिडेट यहाँ पर ऑफलाइन मोड में अप्लाई करेंगे। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, उसे फिल करेंगे एंड उसे दिए गए एड्रेस पर सेंड कर देंगे। यहाँ एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पर कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। कैंडिडेट इसे बाय रजिस्टर पोस्ट सेंड करेंगे एंड ये एप्लीकेशन फॉर्म 15 जुलाई 2024 तक यूनिवर्सिटी में रिसीव हो जानी चाहिए। यहाँ से आप इसके पे स्केल को देख सकते हैं। 7 CPC पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पेलेबल 14 रहेगी। इंट्री पे 1,44,200 रहेगी। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पेलेबल 13A रहेगी। इंट्री पे 1,31,400 रहेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पेलेबल 10 रहेगी। इंट्री पे 57,700 रहेगी। यहाँ इसका जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। अप्लाई करने से पहले इसकी डिटेल को जरूर रीड कर लेंगे। यहाँ रिजर्वेशन स्टेट गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के नॉर्म के अकॉर्डिंग रहेगी। अगर कैंडिडेट पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन में, तो इंटरव्यू के टाइम में NOC सबमिट करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में क्या क्या इंक्लोज करना है, ये डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट। फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म कम्प्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट शुड बी सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट अलोंग विद ट्रू अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल एंड एप्लीकेशन फीस। 1500 रुपीज एप्लीकेशन फीस है फॉर UR OBC, 1000 रुपीज है फॉर SC ST। एप्लीकेशन फीस के लिए कैंडिडेट को डिमांड ड्राफ्ट बनानी है जो कि इन फेवर में बनेगी। कैंडिडेट को यहाँ पर ओनली स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के थ्रू अप्लाई करना है, अदर मोड एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। देन एप्लीकेशन फॉर्म के एनवेलप पे आपको कैपिटल लेटर में लिखना है कि आप किस पोस्ट के लिए किस डिपार्टमेंट से अप्लाई कर रहे हैं। अगर कैंडिडेट मोर देन वन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो सेपरेटली फॉर्म सबमिट करेंगे। गाइज, यहाँ कैंडिडेट का सिलेक्शन डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पर होगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, देन इंटरव्यू के बेस पे कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। यहाँ अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन UGC के नॉर्म के अकॉर्डिंग होगी। ये सबसे पहले प्रोफेसर के लिए दी गई है, देन एसोसिएट प्रोफेसर एंड ये असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट का मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए इन कंसर्न रिलेवेंट या एलाइड सब्जेक्ट फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी या एन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एन एक्रेडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी। सेकेंड पॉइंट है, बिसाइड फुलफिलिंग एबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट क्लियर नेट कंडक्टेड बाय UGC या CSIR या सिमिलर टेस्ट एक्रेडिटेड बाय UGC लाइक स्लेट सेट। कैंडिडेट अगर PhD अवार्डेड है तो नेट, सेट, स्लेट से एग्जेम्प्टेड हो सकते हैं। PhD के लिए यहाँ पर कुछ टर्म कंडीशन दिया गया है, इसकी डिटेल को आप देख लेंगे।
देन यहाँ बी ऑप्शन भी है, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कैसे स्क्रीनिंग होगी ये डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। सेक्शन ए जनरल है, सेक्शन बी एकेडमिक एंड रिसर्च रिकॉर्ड है, ये सारी डिटेल को देखी जाएगी। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है जिसे आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर फोटोग्राफ पेस्ट करना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आवेदन पद, सब्जेक्ट, फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन, कैटेगरी, ये सारी डिटेल को फिल करेंगे। ये सारा डिटेल दिया हुआ है, इन सबको आपको फिल करना है। देन गाइज यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी है एंड किस डिपार्टमेंट में किस पोस्ट के लिए कितनी सीट अवेलेबल है इसकी डिटेल को देख लेते हैं। इस डिटेल को आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ सब्जेक्ट वाइज एंड कैटेगरीज वाइज डिटेल दी गई है। यहाँ से आप सब्जेक्ट नेम को देख सकते हैं, ये प्रोफेसर के लिए सीट है एसोसिएट प्रोफेसर एंड ये सीट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। फर्स्ट डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस, इसमें प्रोफेसर के लिए 1 सीट है इन ST, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है इन OBC, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है इन ST। देन कॉमर्स में वैकेंसी है, इसमें प्रोफेसर के लिए 1 सीट है इन UR, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 सीट है, 1 सीट इन UR, 1 सीट इन ST। देन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है इन ST। फूड प्रोसेसिंग में प्रोफेसर के लिए 1 सीट है इन OBC, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 सीट है, 1 सीट इन ST, 1 सीट इन SC। देन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है इन ST। माइक्रोबायोलॉजी में प्रोफेसर के लिए 1 सीट है इन ST, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है इन OBC, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर सीट नहीं है। देन होटल मैनेजमेंट में प्रोफेसर के लिए 1 सीट है इन UR, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 सीट है, 1 इन UR, 1 इन ST, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 सीट है, 1 सीट इन SC, 1 सीट इन ST। इस तरह से टोटल यहाँ पर 5 डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, कैंडिडेट इन डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। गाइज आई होप इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। अगर आप इन डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई करें, परमानेंट पोस्ट है, अच्छी यूनिवर्सिटी है एंड यहाँ पर काफी टाइम दिया गया है अप्लाई करने के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।